मान लीजिए कि हमें प्रश्न पूछा जाए एग्जामिनर के द्वारा कि दिए गए पासे के चित्र में कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी, पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी, या फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए पासे के चित्र में चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी, अपोजिट ऑफ फोर, चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी। और जो लोग रीजनिंग को सीसेट को कठिन समझते हैं उनको समर्पित है ये सवाल। जीवन इतना भी संकटपूर्ण ना हो कि ऐसी घटिया चीजें मस्तिष्क में तनाव पैदा कर ले। आइए जरा देखना चार के विपरीत, मेरा नियम कहता है जो नजदीक होता है वो विपरीत नहीं होता, तो सर चार के नजदीक दो है ये तो नहीं होगा, चार के नजदीक तीन है ये तो नहीं होगा, चार के नजदीक एक है ये तो नहीं होगा, चार के नजदीक